2024 के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। पीएम मोदी आज ओडिशा के संबलपुर पहुंचे, कई बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। आदिवासी समाज को सिर्फ वोट बैंक समझने के लिए मोदी जमकर कांग्रेस पर बरसे। साल 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले ओडिशा के संबलपुर की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राज्य को 70,000 करोड़ रुपए की सौगात दी। पीएम मोदी ने संबलपुर में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया तो मंच से कई सौगात देते हुए कहा कि विकसित भारत का सपना हम तभी साकार कर सकते हैं जब भारत का हर राज्य विकसित हो। पीएम मोदी ने संबलपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM को 400 करोड़ रुपए के स्थायी परिसर के उद्घाटन के अलावा ऊर्जा, सड़क और रेलवे जैसे अलग अलग क्षेत्रों की कई बुनियादी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम ने साल 2021 में IIM परिसर का शिलान्यास किया था। पीएम ने पूरी सोनेपुर पूरी साप्ताहिक एक्सप्रेस को हरी झंडी भी दिखाई जो क्षेत्र में ट्रेनों की आवाजाही को बेहतर बनाएगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने झारसुगड़ा प्रधान डाकघर विरासत भवन को भी राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा कि पिछली सरकार बहुत बड़े घोटाले करती थी और आदिवासी समाज को सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखा। पीएम मोदी ने कहा कि आदिवासी समाज का कांग्रेस ने अपमान किया है। इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें आशीर्वाद देने आए, इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। इससे ओडिशा में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हजारों बहनों को बहुत लाभ होने जा रहा। साथियों, 2014 से पहले के 10 वर्षों में केंद्र में जो सरकार थी वो बजट में जितनी घोषणाएं करती थी उनसे कई गुना बड़े घोटाले करती थी। इन सालों साल तक सरकारें चलाने वालों ने आदिवासियों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखा। मोदी ने तो अपने आदिवासी भाई बहनों के बीच दशकों तक काम किया है। पीएम मोदी का संबलपुर दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि पश्चिमी ओडिशा क्षेत्र बीजेपी का गढ़ है। हाल ही में कई मौकों पर पीएम मोदी ने आदिवासी समाज का मान बढ़ाने का काम किया है। जो आदिवासी समाज अब तक गुमनाम था उसे मोदी सरकार मुख्य धारा में लाने में जुटी है, साथ ही तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ भी पहुंचा रही है। वहीं राजस्थान में पाली सांसद खेल महाकुंभ बांगड़ स्टेडियम में आयोजित किया गया है। इसमें 10,000 से अधिक खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पाली सांसद खेल महाकुंभ के लिए शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा कि सेना से लेकर खेल तक राजस्थान की वीर भूमि के युवाओं ने सदैव देश का नाम रोशन किया है। राजस्थान की वीर भूमि के युवाओं ने हमेशा ही सेना से लेकर खेलों तक देश की शान बढ़ाई है। मुझे विश्वास है कि आप सब खिलाड़ी इस विरासत को ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ाएंगे। मोदी ने कहा कि सैकड़ों एथलीट आज टॉप स्कीम के तहत देश विदेश में ट्रेनिंग ले रहे हैं। खेलो इंडिया के माध्यम से भी 3,000 से ज्यादा खिलाड़ियों को मदद दी जा रही है। ये मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि जो अंतरिम बजट आया है वो भी एक तरह से देश के युवाओं को समर्पित है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।